देखो, मैंने 2020 के अपने आखिरी व्लॉग्स में आपको एक बात बोली नहीं है जो मैं अब स्पेशली 2021 में पूरे शिद्दत 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 से आपसे से कहना चाहता हूँ। हाँ, फंबल हो गया बीच में, लेकिन रहने दो। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज दानिश एंड यू आर वॉचिंग डेनेडिक्शन। अब आराम मिल रहा है। दिस इज द बुक आई एम करेंटली रीडिंग राइट नाउ, और अभी तक जो बुक मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी है वो ये बुक है, रिच डैड पुअर डैड। एंड आई थिंक आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप ब्लॉगर्स को देखते हो ना, लाइक इरफान जुनेजू, MSK ब्लॉग्स, तो वो ना काफी बार आपको ना बुक्स पढ़ना रिकमेंड करते हैं। तो दो बुक मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में थी, दैट इज द सीक्रेट और दूसरी थी रिच डैड पुअर डैड। तो सीक्रेट मैंने बुक कहीं से अरेंज की थी, और मैंने जैसे उसके 2-3 पेजेस पढ़े, मुझे पता चला कि नेटफ्लिक्स पे उसकी डॉक्यूमेंट्री है, एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट गो एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, एंड फाइनली मुझे किसी ने ये बुक दी, एंड दिस इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई बुक है। मैंने इसके लाइक एक हफ्ते में मैंने इसके 70 पेजेस पढ़ लिए, एंड दिस इज द मोस्ट रेड बुक इन माई लाइफ एवर जो मैंने पढ़ी है अब तक। एंड मैं इसको खत्म भी करने वाला हूँ और आपको इसका रिव्यू जरूर दूंगा। अब मैं स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ने वाला हूँ वो बुक जिससे मुझे सही में फायदा होने वाला है, जैसे कि फाइनेंशियल बुक्स हो गया, लाइफ के रिलेटेड बुक्स हो गई, जैसे कि द सीक्रेट, और हो गए स्पिरिचुअल बुक्स। हाँ, स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं। आई विल ट्राई टू कवर अप 10-15 बुक्स जो मुझे सही में बेनिफिट दे। फोकस मोर ऑन ऑनलाइन कोर्सेज। अब ऑनलाइन कोर्सेज आप सबको पता है यूडेमी पे अवेलेबल होते हैं, और वो बहुत सस्ते होते हैं। अगर तुम ऑफलाइन जाओगे कोई भी कोर्स करने के लिए, वो बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने लॉकडाउन में एक कोर्स किया था यूडेमी से, डिजिटल मार्केटिंग का, और मैंने काफी हद तक सीखा हो, और बीच में मेरे लैपटॉप ने मेरा साथ छोड़ दिया एंड आई कुडंट कंटिन्यू डैट। लेकिन जितनी भी नॉलेज मैंने परस्यू की थी उसके बेसिस पे करंटली आई एम डूइंग अ जॉब, अ डिसेंट जॉब। हालांकि इनकम इज नॉट मच, वही मतलब 1500-1600 वही है, बट स्टिल आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब एंड आई एम लर्निंग मोर एंड मोर। सो मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए। सो ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं करने वाला हूँ, डेट इज वेब डेवलपमेंट वगैरह करने वाला हूँ, डेटा साइंस पे करने वाला हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग को पूरा का पूरा भी दोबारा सीखना है मुझे। और हाँ, और जितने भी बेनिफिशियल कोर्सेज होते हैं ना जो डिजिटल मार्केटिंग वेब से रिलेटेड, आई विल गो फॉर दैट, एंड आई विल मेक श्योर कि 2021 के एंड में अच्छा खासा भंडारा रख दूं यहां पे। मनी मेकिंग एंड मनी इन्वेस्टिंग। तो अगर आपने बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, आपको पता होगा एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में का फर्क। तो मैं जितने भी पैसे ये साल बनाने वाला हूँ उसको सेव करूंगा और सारे मेरे एसेट्स के पीछे लगाऊंगा, क्योंकि अगर एसेट्स पे इन्वेस्ट करोगे तो और पैसा आते रहेगा। एंड माय एसेट्स आर गोना बी अ गुड हाई एंड लैपटॉप, प्रॉपर कैमरा गियर्स, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर डिजिटल मार्केटिंग से फिल्म मेकिंग में जंप कर सकूं अकॉर्डिंग टू माई प्लान जो मैंने सोच के रखा है। हाँ, करंटली यही है मेरा एम। सो इन माई कमिंग 6-8 या 10 मंथ्स ये सब चीजें मैं तैयार करके रखने वाला हूँ, ये मैंने सोच के रखा है, क्योंकि ये सब महंगी आती है और इसके लिए मतलब घिसना पड़ता है। अब जो मेरा सबसे बड़ा एम है इस साल का यूट्यूब का, वो है यूट्यूब पे 100K सब्सक्राइबर्स और एक्टिव सब्सक्राइबर बेस। क्योंकि जैसे ही मेरा अगर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस बनूंगा ना, मैं गोवा का वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूबर बनूंगा। अभी भी लाइक थोड़ा सा रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा ही, लेकिन मुझे उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और मुझे गोवा का बेस्ट ब्लॉगर बनना है, क्योंकि उतने ज्यादा कोई है नहीं कॉम्पिटिशन में। तो ये मेरा एम है। अगर प्लीज डोंट माइंड अगर किसी को ये चीजें ऑफेंसिव लग रही है तो, लेकिन ये मेरा प्लान है, एंड आई वांट टू कंप्लीट 100K एज सून एज पॉसिबल। और जैसे मेरे 100K हो जाएंगे, मेरी यूट्यूब पे पैसिव इनकम हो जाएंगी, जॉब से एक्टिव इनकम हो जाएगी, दोनों को मिला के मैं एसेट्स पे पैसा लगाना स्टार्ट करूंगा, एंड आई विल स्टार्ट लॉन्ग ट्रैवल प्लान्स। और जैसे ही मेरे लॉन्ग ट्रैवल प्लान्स होते रहेंगे तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज आते रहेंगे, एंड मे बी फिल्म मेकिंग के साथ मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर भी बन जाऊंगा, ऐसा मैंने सोच के रखा है। अब ये कहाँ तक पॉसिबल होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। अब और भी प्लान्स है फिटनेस लुक्स के वगैरह रिलेटेड, लेकिन अगर इतने सारे गोल्स रखूंगा तो वो होने नहीं वाले हैं। आई नो आपको मेरे जो प्लान्स है वो देख के लगेगा कि हाँ ये बंदा दो नाव पे सवार हो रहा है, मैं ऐसा ही हूं।